चलिए तो लेट्स स्टार्ट। यस सर, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी, एंड आज हमारा 32nd लेक्चर है। एंड वी होप कि इनके सारे पहले लेक्चर के जो है आपके नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर होंगे, एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी आपके पास यहाँ पे होंगे। यस सर, तो हम पढ़ रहे थे पॉल्यूशन को। यस सर, एंड पॉल्यूशन के अंदर हमने एयर पॉल्यूशन जो है वो देख लिया था। क्या देख लिया था सर? हमने एयर पॉल्यूशन जो है वो देख लिया था। तो मेरे को एक बात बताओ, आज के बाद अगर एन एन ए क्यू एस अगर मैं लिखूं, अगर मैं ए क्यू आई लिखूं, अगर मैं एन ओ टू लिखूं, अगर मैं एस ओ टू लिखूं, अगर मैं आर्सेनिक लिखूं, अगर मैं लेड लिख दूं, अगर मैं पी ए एन लिखूं, या सर अगर मैं वी ओ सी लिखूं, तो क्या आपका दिमाग एकदम से आपको बता रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज के बारे में यह बात हो रही है? क्या आप लोगों को याद है कि वाटर के पॉल्यूशन वाला लॉ पहले आया था, ये एयर के पॉल्यूशन वाला लॉ पहले आया था? क्या आपको पता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ये वाटर वाले से बनेगा या एयर वाले से बनेगा? यस, क्या याद है सभी को? क्या मीनाक्षी को याद है? क्या मनी लविंगर को याद है? क्या सुनील को याद है? सर सुनील तो आप ही हो। हाँ हाँ सॉरी, तो क्या योगेंद्र को याद है? क्या ये सब कुछ याद है आप लोगों को? यस, चलो गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। तो हम लोगों ने ये सारी की सारी बातें जो है वो कर ली थी। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे, मेजर ड्राइविंग मेंस का आंसर भी हमने लिख लिया था, कैटालिटिक कन्वर्टर, भारत तेज वगैरह ये सब कुछ भी हमने कर लिया था। एंड यस, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को देना ना। ये एक क्वेश्चन है, वैसे तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। व्हाई इज इंडिया नॉट बीइंग एबल टू कंटेन एयर पोल्यूशन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स? प्लीज राइट। मैंने यहाँ पे मेजर पॉइंट्स तो लिख दिया है, बट इनका इलेबोरेटिव आंसर जो है आप लोगों को लिखना है। इनका इलेबोरेटिव आंसर जो है आप लोगों को लिखना है। यस, मैंने क्वेश्चन दे दिया है, व्हाई इज इंडिया नॉट बीइंग एबल टू कंटेन एयर पॉल्यूशन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स? कि इतना कुछ कर लिया आपने, है ना, इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? इतना कुछ कर लिया उसके बाद भी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज व्हाई इज इंडिया नॉट बीइंग एबल टू कंटेन एयर पॉल्यूशन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स? आपको इनिशिएटिव्स भी पता होने चाहिए, इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, क्या नहीं लिया गया है, क्या क्या चीजें करी गई है, और उसके बाद भी फेल जो है वो क्यों हो रहा है? तो इनिशिएटिव्स में क्या क्या याद आ जाना चाहिए सर? आपको याद आना चाहिए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया था। याद आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समीर, एक हवा का झोंका, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। ओ सफरनामा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, सफरनामा, ये सब कुछ याद आ रहा है ना? यस। एक मैंने आप लोगों को वायु के बारे में भी पढ़ने के लिए कहा था, वायु। यस, नेक्स्ट इसी में आप लोगों ने, अगर किसी ने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको याद आ जाना चाहिए वायु। वायु क्या है? विंड ऑगमेंटेड, विंड ऑगमेंटेड प्योरिफाइंग यूनिट। वायु इज विंड ऑगमेंटेड प्योरिफाइंग यूनिट। ये ध्यान रखना, इसको लेकर के कौन आए थे? इसको लेकर के आया था सीएसआईआर वाले, सीएसआईआर नीरी, ये लोग इसको लेकर के आए थे, ये ध्यान रखना है। क्लियर? इसमें ना एक और चीज है जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ना हेप्पा का यूज होता है, हेप्पा। ये हेप्पा यूपीएससी पूछता है, हेप्पा क्या है? इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हेप्पा। व्हाट इज दिस हेप्पा? हेप्पा इज हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर पर अरेस्टेंस, पर्टिकुलेट। यस, अरेस्टेंस, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट अरेस्टेंस। इनमें ये वाले, ये फिल्टर्स होते हैं बेसिकली, तो ये फिल्टर लग रखे होते हैं, तो ये क्या करेगा? पर्टिकुलेट को अरेस्ट करेगा ना, पर्टिकुलेट मैटर्स, पीएम वगैरह जितने भी है उन सबको अरेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, आयर को प्योरीफाई कर लेगा। यस, क्लियर, सभी को समझ आया? चलो गुड वन। तो इतनी सारी बातें हम लोगों को यहाँ पे करनी होती है। ये देखो, ये मैंने लिखा है कि यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है, जब हम मेंस का आंसर लेने के लिए जाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, रैपिड व्हीकुलर ग्रोथ आउट पेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, के व्हीकुलर ग्रोथ जो है वो आपके पास दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी तो इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा पॉल्यूशन को कंट्रोल? क्यों? क्योंकि भाई व्हीकुलर, भाई आपने एक गाड़ी से आने वाले पॉल्यूशन को तो आपने कंट्रोल कर लिया कि अभी कितने पॉल्यूशन को छोड़ेगा, बट गाड़ियां बढ़ा दी। यस, तो पहले एक गाड़ी 20 दे रही थी,
अब एक गाड़ी दो ही दे रही है, मगर ऐसी ऐसी 10 गाड़ियां हो गई तो ओवरऑल वापस 20 हो गया। तो ये चीज है, तो हम इस तरीके से डेटा भी कोट कर सकते हैं कि सर देखो यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ है व्हीकल नंबर के प्रोडक्शन के अंदर, कि सर 2000 में अगर 50 के लगभग ही थे आपके पास, यहाँ पे 50 मिलियन की बातें हो रही है यहाँ पे, तो 2018 तक अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे 300 मिलियन के लगभग आपके पास नए नए व्हीकल्स जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जा चुके हैं। तो कहाँ 50 था, कहाँ 353 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 टाइम्स आपके पास यहाँ पे जो है वो व्हीकल्स यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। क्लियर सभी को? यस, ये सब याद हो रहा है क्या? मैं अगर यहाँ पर एक कॉलम ऐसे बनाऊं, दूसरा कॉलम ऐसे बनाऊं, तीसरा कॉलम ऐसे बनाऊं, तो आपको याद आ रहा है ना कि आर्सेनिक कहाँ पे होगा, बेंजोक्रिन कहाँ पे होगा, यस, किसमें 12 पॉल्यूटेंट थे, किसमें 8 पॉल्यूटेंट थे, ये सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, ये सब याद आ रहा है? चलो गुड वन। तो ये चीजें जो है हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हमने खत्म कर लिया था, आज हम लोगों को पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर पॉल्यूशन। यस सर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सर सिंपल सी बात क्या है, हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि सर वांटेड होता है एक, वांटेड के अंदर जब अनवांटेड चीज मिलती है तो उसको हम बोल देते हैं पॉल्यूशन। बिल्कुल सर, इतनी सिंपल डेफिनेशन ना सर हमने आज तक कभी भी नहीं पढ़ी। बिल्कुल सही बात है। और जो ये अनवांटेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। यस सर, हमने पॉल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था कि पॉल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन होता है कौन कौन सा। सर प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी होता है, फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव भी पॉल्यूटेंट आपके पास होते हैं, और एक कौन सा बताया था, क्वांटिटी, एक एक और बताया था, तीन बताया था ना, एक था बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, डिग्रेडेबल वर्सेस नॉन डिग्रेडेबल, ये तीन पॉल्यूटेंट्स बताए थे। अब जब वाटर पॉल्यूटेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपके पास आता है, एक और क्लासिफिकेशन आपके पास आता है, एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे पॉइंट सोर्स वाला पॉल्यूशन हो रहा है या फिर यहाँ पे नॉन पॉइंट सोर्स वाला पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पॉइंट सोर्स का पॉल्यूशन है या नॉन पॉइंट सोर्स का पॉल्यूशन है, तो ये जो बेसिकली होता है ये होता है सोर्स बेस्ड, ये क्लासिफिकेशन आपके पास होता है सोर्स बेस्ड। ठीक है, अब देखो पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स का क्या मतलब हुआ, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब हुआ कि ये नदी जा रही है सर ना, काली नदी मत बनाओ, अरे पॉल्यूटेड नदी है, अच्छा, फिर ठीक है सर, चलो ऐसे भी नहीं करते, ब्लू नदी बनाते हैं सर, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी पानी 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 पानी, आ जाओ नन सर, तो ब्लू ब्लू नदी बन गई। ठीक है सर, क्या हुआ फिर? फिर कुछ नहीं, एक बंगला बने न्यारा। सर मेरा ना बचपन से ही सपना था कि मैं ना सर बिल्कुल घर के आसपास में रहूं, मतलब नदी के पास मेरा घर हो, है ना सर, ऊपर ऐसे पहाड़ हो, है ना, पहाड़ों से फिर सर नदी जो है वो इस तरीके से निकल रही हो, यहाँ से सर सूरज उग रहा हो, है ना, हाँ सर, ऐसा डायग्राम बनाने का ना सर बचपन से ही हमारा सपना था। या सर फिर इधर एक पेड़ होगा, या सर यहाँ पे एक ना सर हम पुल बनाएंगे और उस पुल के ऊपर से ना सर हम लोग यहाँ से इधर की तरफ जाकर के खेला करेंगे। सर आपकी डायग्राम वाह, ऑस्कर दे दो सर मुझे। यस सर। तो सर इसमें हुआ क्या? अरे सब बढ़िया चल रहा था, हाँ सर सब बढ़िया चल रहा था, फिर क्या हुआ? फिर ना यहाँ पर एक जो है इस पेड़ के पास यहाँ पे एक फैक्ट्री लग गई। सर क्या लग गई? फैक्ट्री। अच्छा सर, ओके सर, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री लग गई। ठीक है सर, अच्छा तुम भी घर में रह रहे हो, हाँ सर, तुम भी घर से गंदा पानी निकाल रहे हो, यस सर, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एक नाली बना दी। ओहो सर यहाँ पे नाली बना दी, हाँ बस यहाँ पे नाली बना दी और यहाँ पे छोड़ दिया। फैक्ट्री था, फैक्ट्री का पॉल्यूशन, फैक्ट्री थी कि यहाँ से बहुत ज्यादा गर्मी वर्मी हो रही है तो फैक्ट्री में बहुत ज्यादा एसी लग रहा है। फैक्ट्री में जब बहुत जब जब पूरा एक सिस्टम को कूल करना होता है ना तो वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है कूल करने के लिए, ठीक है, या फिर गर्मी के लिए भी, और बहुत सारा पानी बहुत यूज होता है। तो वो मान लो यहाँ से जो इनका पानी था उन्होंने क्या किया, पाइप लगाया और सीधा पाइप छोड़ दिया नदी में। ठीक है, पाइप लगाया और सीधा पाइप छोड़ दिया उन्होंने नदी में, यार इतना सारा पॉल्यूशन अगर यहाँ पे फैलाया ना तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, सीधा नदी में जड़ देते हैं, नदी से ये सीधा सीधा आगे की तरफ जाएगा, चला जाएगा बह करके। क्लियर? यस, ये चीज हो गई। ठीक है सर, तो सर कहानी क्या है, समझाना क्या चाहते हो? तो सर देखो कितनी अच्छी बात है ना सर, फैक्ट्री कितनी गंदी है, देखो उसने ना सीधा सर नदी में पानी छोड़ दिया, मैं कितना अच्छा हूँ सर, मैंने तो ना नदी को गंदा किया ही नहीं, देखो सर मैंने तो ना यहीं तक अपना पाइप लाके छोड़ दिया। बेटा तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने सोचा कौन नदी तक का पैसा लगाया, हम तो इतना करेंगे नहीं। यस क्लियर। अब देखो पॉल्यूशन तो तुम भी कर रहे हो, सर मैं कैसे पॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखो
जब कभी भी बरसात होगी या कुछ भी होगा तो यहाँ से ये पानी बहता 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 इधर से इस नदी में भी मिलेगा। सर झूठ बोल रहे हो, ये नदी में जो पानी आ रहा है वो मेरा पानी नहीं है, आपको पता नहीं है सर, मेरे घर के पीछे ना एक खेत है। अच्छा खेत है, हाँ सर खेत है, एक फार्म लैंड है, इस फार्म लैंड से भी पानी बहता 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 इधर आ रहा है। अच्छा मैं इस फार्मर से पूछ लेता हूँ, भाई ये जो नदी में पानी जा रहा है ये तुम्हारा है क्या? ना 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 मेरा है ही नहीं पानी। सर ये भी मना कर रहा है, ये भी मना कर रहा है, ये भी कह रहा है मेरा पानी नहीं है, तो इसके पीछे पहाड़ है। अच्छा सर वो कह रहा है कि जब पहाड़ से पानी बहता है तो वो बहता बहता इधर आ रहा है। अच्छा सर सर पहाड़ से पूछ लो, पहाड़ से। बेटा पहाड़ से पूछ लो, कैसी बातें कर रहे हो, पहाड़ ने अगर जवाब दे दिया ना तो मेरे तोते उड़ जाएंगे। हाँ कितना डर जाऊंगा मैं, पता है तुम्हें? हाँ सर कोई बात नहीं, चलो सर पूछो ना सर प्लीज सर। चलो ठीक है, तो मैंने पहाड़ को फोन किया, सर फोन क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली पूछ लो। अरे डायरेक्टली जवाब नहीं चाहिए ना मुझे, हाँ पता नहीं डर जाऊंगा ना मैं। हाँ सर तो मैंने पहाड़ को फोन किया, मैंने कहा पहाड़ पानी तुम्हारा आ रहा है क्या? बोले ना मेरा नहीं आ रहा। तो बोले फिर किसका है? बोले ऊपर बादल है ना, हाँ वो बरस रहा है उसका पानी आ रहा है, वही का पानी गंदा है, मेरा पानी नहीं गंदा, मैंने कुछ नहीं किया है ना, बरसात से जो पानी आया वही गंदा है। तो मतलब यहाँ पे ये पानी कहाँ से आ रहा है ये आइडेंटिफाई वैसे तो हो रहा है पर वैसे हम नहीं कर पा रहे कि कहाँ से आइडेंटिफाई आ रहा है। क्लियर? द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इज अननोन। और ये वाला पानी कहाँ से आ रहा है? सर ये तो सीधा दिख रहा है फैक्ट्री से आ रहा है, फैक्ट्री वाले से पूछो, भाई फैक्ट्री तुम्हारा पानी आ रहा है? नहीं मेरा नहीं आ रहा। अरे कैसे नहीं आ रहा, ये रहा पाइप सीधा दिख रहा है, झूठ बोल रहे हो। क्लियर सभी को? सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स, सोर्स नोन है या सोर्स अननोन है। अगर सोर्स नोन है तो उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। एंड अगर सोर्स अननोन है तो उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। क्लियर हुआ सभी को? यस। अगर सोर्स सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन अगर आपको पता है तो इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, एंड अगर सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता है तो इसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। यस इतना अच्छे से यार, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना ना, डायग्राम बहुत अच्छा है। यस ठीक है, तो यस तो क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो ये आपके पास होता है पॉइंट सोर्स, यानी आपके पास होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो अगर आपके पास डायरेक्टली अगर आपको पता है कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट सोर्स। एंड अगर सोर्स नहीं पता तो उसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो अगर आपको कहीं पे ड्रेन पॉइंट दिख जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट सोर्स हो जाएगा कि भाई सीधा पाइप से आधा हुआ पानी दिख रहा है। बट फर्टिलाइजर अगर आकर के नदी में मिला तो वो किसके खेत से आके मिला ये कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो ना? फर्टिलाइजर अगर पानी में आकर के मिला तो वो किसके खेत से आके मिला कैसे पता चलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर्स आर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। यस इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स आर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स। क्लियर सभी को? जितने भी चीजें जो डायरेक्टली पानी में जाकर के नहीं मिल रही है, ठीक है, जो डायरेक्टली पानी में नहीं गई, किसी ने किसी तरीके से किसी ने उसको मिलवाया है, मतलब सोर्स नहीं पता, डायरेक्टली नहीं डाला उसको, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स एंड उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। क्लियर सभी को? यस सर। तो क्या होता है वाटर वाटर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो वाटर पॉल्यूशन इज एडिशन और एंड प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। यस सर इसको बोलते हैं अनवांटेड इन टू वाटर सच एस, वो ऑर्गेनिक हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, रेडियोलॉजिकल हो सकता है, हीट हो सकती है। सर हीट? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं तो अपने घर में गीजर में सर डेली पानी को गर्म करता हूँ। सर बेटा तुम पानी को पॉल्यूट कर रहे हो, सर गर्म करने से तो पानी के कीड़े मर जाते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, लोग कहते हैं कि गर्म करके पानी पीना चाहिए, वो सब ठीक है, मगर तुम पानी को पॉल्यूट कर रहे हो। तो ये गर्म पानी ना तुम्हारे गीजर के पानी की बात नहीं हो रही है, जब एक आपके पास एक स्ट्रीम चल रही होती है उसके अंदर अगर आप हॉट वाटर डिस्चार्ज करते हो, हॉट वाटर डिस्चार्ज करते हो तो इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, यहाँ की डिजॉल्व ऑक्सीजन, यहाँ की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसको भी उसके बाद पॉल्यूशन में काउंट कर लिया जाता है। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही डिजॉल्व ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डीकम्पोज होने वाले होते हैं, वो डीकम्पोज नहीं होंगे, और वो डीकम्पोज नहीं हुए तो फिर पॉल्यूशन को फ्री करने वाला जो काम होता है वो नहीं होगा। तो अगर तुमने बोला ना कि सर सर ये यहाँ पे खड़ा है, हाँ सर, और ये दूसरा खड़ा है, और ये यहाँ पे सर मैं खड़ा हूँ, हाँ सर ये तुम हो, ठीक है, हाँ सर ये इसको पीट रहा है, ये सर, और तुम इसको बचा ही नहीं रहे हो। अगर तुम इसको नहीं बचा रहे हो ना तो इसका मतलब तुम भी इसको पीट ही रहे हो। सर ये कैसी गणित लगा दी आपने? अरे मतलब तुम चाह तो रहे हो ना, अच्छा लग रहा है कि पिट रहा है? यस यस तुम चाह तो रहे हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ पिट रहा है, दो थप्पड़ और मार, मन तो कर रहा है ना जाके दो, और अगर मौका मिला, मौका मिला तो एक आधा हाथ तो तुम भी साफ कर ही लोगे। यस ये चीज होती है कि भाई हॉट वाटर से आपने डायरेक्टली पानी को पॉल्यूट तो नहीं किया, मतलब जो पॉल्यूशन फ्री होने वाला काम था ना आपने उसको रोक दिया, तो इसका मतलब आप भी पॉल्यूशन कर रहे हो। क्लियर? यस ये बेस्ट एग्जांपल है ये लड़ाई वाला, कि तुम मारा नहीं तुमने, पर तुम चाह तो रहे हो ना कि ये मारे। तो अगर तुम रोक लेते तो ये एक ही थप्पड़ खाता, तुमने रोका नहीं, इसने 5 थप्पड़ मार दिए। यस क्लियर? तो इस तरीके से हॉट वाटर भी आपके पास यहाँ पे डिस्चार्ज, उसको जो है वो पॉल्यूशन की एक्टिविटी को, मतलब वो जो पानी साफ हो रहा होता है ना उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। तो रोक देगा तो फिर वो भी आपके पास पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर सभी को? यस समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो सर गुड वन। तो नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सॉइल इरोजन हो सकता है आपके पास, लीचिंग ऑफ मिनरल्स हो सकता है, डीकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है आपके पास। ये तीन मेन है। अब सब कुछ इनसे डिराइव होगा। सॉइल इरोजन, तो सॉइल में जो भी फर्टिलाइजर्स आपने डाले थे वो सारा का सारा बह करके पानी में आ जाएगा। क्लियर? एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। क्या बोलते हैं एक फिनोमेना पढ़ा था हमने, एजिंग ऑफ लेक्स एंड एवरीथिंग, क्या पढ़ा था? जब एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, यूट्रोफिकेशन, पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी। यस इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन ओनली। लीचिंग ऑफ मिनरल्स, लीचिंग ऑफ मिनरल्स का क्या मतलब होता है? पढ़ रखा है हमने लीचिंग ऑफ मिनरल्स भी, हमने पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ाई है? फिजिकल ज्योग्राफी। लीचिंग ऑफ मिनरल से कौन सा पानी खराब होगा? ग्राउंड वाटर। यस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। डीकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कुछ भी पानी में गिर गया वो डीके ही नहीं हो रहा, बैठा पड़ा है वहीं पे आपके पास, ये भी पॉल्यूशन करेगा। क्लियर सभी को? यस पानी को सड़ा देता है। तो सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ मिनरल्स, ये जब हमको आंसर लिखना होगा कि पॉल्यूशन क्या क्या है, तो एक तो आप डायरेक्टली लिख देते हो कि सर ये पॉल्यूटेंट है, एक आपने पॉल्यूटेंट्स की भी कैटेगराइज कर लिया है ना। सॉइल इरोजन लिया, फिर सॉइल इरोजन की वजह से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पानी में मिल रहे हैं आपने वो बता दिया। लीचिंग ऑफ मिनरल्स, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूट हो रहा है, इसकी वजह से कौन कौन से चीजें पानी में मिल रही है, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आपने वो सब बता दिया। डीकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक कैटेगरी लेकर के आपने बता दिया। इस तरीके से आप एक इफेक्टिव आंसर जो है वो लिख सकते हैं। यस समझ आया सभी को? क्लियर? यस दिस इज द वे टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। यस सर फिर ये देख लो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स? तो पॉल्यूटेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन सच एज अ ड्रेन पाइप कैरिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं। बट अगर यहाँ पर आपके पास एक डिफ्यूज सोर्स से, मैं समझना एक अलग चीज होती है, पर मैं आपको टर्मिनोलॉजीज भी समझाना चाहता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजीज आती है, ठीक है, इसलिए इन टॉपिक्स को कहानियों से नहीं, टर्म्स भी साथ के साथ पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? डिफ्यूज सोर्स के बारे में, मतलब हमको नहीं पता आया कहाँ से है। आपको पता है डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डू यू नो द वर्ड डिफ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है? यस डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब कहीं पर भी आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे यहां पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो वो यहां से इधर की तरफ जाएगी ना आपके पास। यस हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। यस पल्लवी सोनी गुड वन, इंजीनियरिंग कर रखी है। यस सर ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज होना। क्लियर सभी को? यस सर। तो ये जो डिफ्यूज सोर्सेस से आपको मिलता है, या फ्रॉम ए लार्जर एरिया सच एज रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ग्रेजिंग लैंड है, कंस्ट्रक्शन साइट है, अबंडेंट माइंस एंड पिट्स है, वो सब कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? नॉन पॉइंट सोर्सेस के अंदर आएगा। क्लियर?
तो आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि डिफ्यूज सोर्सेस वाला पॉल्यूशन सोर्स वाला होगा, पॉइंट सोर्स वाला होगा या नॉन पॉइंट सोर्स वाला होगा, तो ध्यान रखना है आपके पास। तो ये एक डायग्राम है जहां से आप देख सकते हो कि वेस्ट वाटर ऑफ ए ट्रीटमेंट प्लांट डायरेक्टली पाइप से यहाँ पे जा रहा है, क्या होगा? पॉइंट सोर्स होगा। कोई फैक्ट्री है जिसका डायरेक्टली पाइपिंग के अंदर पानी जा रहा है, क्या होगा? पॉइंट सोर्स होगा आपके पास। यस, एनिमल फीडलॉक है, यहाँ से आपके पास यहाँ पे हो तो गया, बट फिर बरसात हुई, बहते 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 आ गया, पता ही नहीं चला है ना कौन से वाले एनिमल का है, किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो नॉन पॉइंट सोर्स होगा। यहाँ पे आपके पास ये लैंड है, पानी आपके पास आ रहा है, ये भी क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स है। यस, कोई रूरल घर वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है सीपेज का, ये भी आपके पास नॉन पॉइंट सोर्स होगा। सिटी की गलियों से बहता 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 पानी आ गया, वो भी क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स है। कोई सबर्बन डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपके पास घर वगैरह बन रखे हैं, वो भी क्या है? सब नॉन पॉइंट सोर्स है। तो डायरेक्टली पाइप अगर मिल जाए ना कि सीधा पानी नदी में छोड़ दिया है ना पाइप लेकर के, उसको क्या बोलोगे? पॉइंट सोर्स। और जो बहते 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 आकर के आपके पास यहाँ पे मिल गया, वो क्या हो जाएगा आपके पास? नॉन पॉइंट सोर्स। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, चलिए गुड वन था। अब एक एक करके हम लोग पॉल्यूटेंट्स को देखते हैं कि कितने सात तरीके के पॉल्यूटेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? तो साथ के साथ सब कुछ याद करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको एज इट इज यहाँ पे लिखते हुए जाना है, ठीक है? सबसे पहला आपके पास हो जाएगा सीवेज वाटर। सीवेज वाटर, अब सीवेज वाटर के अंदर कौन कौन सा पानी आपके पास आता है? तो यहाँ पे जो घरों से आपके पास पानी यहाँ पे निकलता है, यस, कोई एनिमल एक्सट्रैक्ट वगैरह, ये वाला पानी होता है, फूड रेजिड्यूज वाला होता है आपके पास, क्लीनिंग एजेंट्स वाला होता है, डिटर्जेंट वाला होता है, ये सारे के सारे आपके पास सीवेज के अंदर जो है वो आ जाते हैं। डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल के जो सीवेज में है, इसमें आपके पास पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो मिलते हैं। तो ये क्या होती है? ये बीमारियां तक आप फैला सकते हो यहाँ पे इस वजह से। तो इस तरीके से जब भी ये सीपेज वाला पानी मिल जाता है, ये कैसा हुआ? पॉइंट सोर्स हुआ या नॉन पॉइंट सोर्स हुआ? पॉइंट सोर्स हुआ, नॉन पॉइंट सोर्स हुआ? तो डायरेक्टली पाइप दिख तो रहा है सर, डायरेक्टली पाइप दिख तो रहा है सर, है ना? यस सर, किसके घर से आया, कहाँ से आया, ये कुछ नहीं पता, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इज डिजोल्व ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज डिजोल्व ऑक्सीजन। अब देखो, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेकर के क्या चीज आपके पास होती है? तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर डिक्रीजेस द डिजोल्व ऑक्सीजन। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है, तो पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। कंसेप्ट ये है, दो चीजों को एक साथ समझना है, एक डिजोल्व ऑक्सीजन को और एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, दो चीजों को एक साथ समझना है। रेडी सब लोग? यस रेडी। चलो सर, तो ये क्या है सर? ये है आज ब्लू है पानी, पानी 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 पानी, एंड दिन भी पानी 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 पानी। तो ये आपके पास हो गया ब्लू है पानी पानी पानी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पानी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो यहां पर आपको मिलेगी डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है? डिजोल्व ऑक्सीजन आपके पास पानी में। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जब पानी के अंदर, सिंपल सा एक कंसेप्ट समझना, पानी है, पानी के अंदर O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है? अभी तक समझो, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया वगैरह ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, मान लो ऊपर से आपने इसके अंदर वेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉल्यूटेंट्स आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है वगैरह, सारा बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल वैसा भी वेस्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके पास यहाँ पे होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट आपके पास डीकम्पोज होगा, क्या होगा सर? डीकम्पोज होगा। क्लियर सभी को? अब क्या ये डीकम्पोजिशन ऐसे ही होता है? क्या ये डीकम्पोजिशन ऐसे ही होता है? नहीं, डीकम्पोजिशन के एजेंट्स होते हैं आपके पास, उन एजेंट्स को, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हुआ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? क्लियर हुआ सभी को?
एम आई गुड विद इट? डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है कि उसके पानी कितना है, जितना पानी है उस सॉरी जितनी ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। बट जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके पानी में आ गया है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर सभी को? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए हैं सर, सर 100 रुपए क्यों सोचवा रहे हो सर, करोड़ों सोचवा ना, चलो ठीक है, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपीज है। यस सर, ये तुम्हारे पास है, ठीक है? यस सर, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपीज है। सर वाओ सर, रुको ना सर, जान दो अपनी क्लास है सर, क्या करूंगा यूपीएससी करके। अरे सुन तो लो। हाँ सर, सर आप खर्च करवा दोगे सर, अभी अभी आप कुछ ना कुछ करके ना सर खर्च करवा दोगे। अरे रुको तो सही। यस, अच्छा लग रहा है 100 करोड़ रुपीज है तुम्हारे पास, तरंग अच्छा लग रहा है ना? चलो क्या करोगे 100 करोड़ रुपीज से, अच्छा लग रहा है? चलो तो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपीज थे। यस सर, फिर आपने मेरे को बोला सर प्लीज मेरे को PSIR ऑप्शनल पढ़ा दो ना सर, आप जितना पैसा बोलोगे मैं दे दूंगा। मेरा ठीक है, मेरे PSIR ऑप्शनल की फीस चलो 100 करोड़ नहीं देता हूँ, 95 करोड़ रुपीज है। यस, ये क्या है, ये मेरी डिमांड है कि PSIR पढ़ाने के लिए 95 करोड़ लगेगा। फिर सर तरंग को अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं नहीं सर इतना महंगा नहीं पढ़ूंगा सर, है ना सर, एक काम करो सर मेरे को ना सिर्फ GS पोर्शन पढ़ा दो सर, GS की मेंबरशिप दे दो। ठीक है, GS की मेंबरशिप जो है वो 6 करोड़ रुपीज में है, 6 करोड़ रुपीज में। तो जैसा कोर्स वैसा पैसा। यस, तो ये क्या है, ये डिमांड, जैसा कोर्स वैसा पैसा। एंड ये क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगी कि पानी के पास कितनी ऑक्सीजन है। एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि कितना वेस्ट पानी में आ गया उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। समझ आया सभी को? यस, कितनी रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को सिंपल सिंपल से बताना, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट बताना, ठीक है? मैं एक एक पॉइंट को यहीं पे क्लियर करता जाऊंगा। ये क्या है सर, ये डैश डैश लाइन है। अरे डैश डैश लाइन नहीं होती है, ये पानी होता है। ठीक है सर, पानी में क्या है, O2। जितना पानी में O2 है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, DO इज डिजोल्व ऑक्सीजन। यस सर, फिर यहाँ पे क्या आया सर, यहाँ पे वेस्ट आ गया, ये वेस्ट है। इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? यस। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर वेस्ट बढ़ेगा तो इसको डिकम्पोज करने के लिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। यस, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो जो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो सांस कैसे लेगी? यस, अभी कंसेप्ट सुनो। तो मछली की मृत्यु हो गई, जैसे ही मछली की मृत्यु हुई, सर बार बार रख दो सर मछली का, अरे मछली का बार बार मत रखो, ये सब हमको नहीं करना है, वो मछुआरे मछली वाले ही रखेंगे, मछली और मछलियां रखेगी। हाँ, हमारे लिए अब ये भी एक वेस्ट हो चुका है, समझ रहे हो? आगे पढ़ा रहा हूँ, आगे देखो। अब मछली हैज बिकम वेस्ट, इधर से आपने और ज्यादा पॉल्यूटेंट ऐड कर दिया, ठीक है? तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो चुका है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो चुका है, बट वेस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब जब वेस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बहुत ज्यादा है अब, बट अब ऑक्सीजन पानी में है ही नहीं। तो अब ऑक्सीजन अगर पानी में नहीं हुआ तो क्या पानी का जो पॉल्यूशन को जो ट्रीटमेंट है वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो द वॉटर विल बिकम, वॉटर पॉल्यूशन विल अल्टीमेटली इंक्रीज। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, बहुत ही सिंपल सा है कंसेप्ट है, मैं आपको वापस पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने वापस बता रहा हूँ,
कि सर ये क्या है, समझना है इसको, है ना, एक बार एक एक लाइन को आपको समझना है, ये क्या है सर, ये है ब्लू है पानी पानी, यस इसके अंदर यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, फिर क्या आया, फिर आ गया सर वेस्ट, इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, उसको कहते हैं, बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर वेस्ट इंक्रीज होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, ये डिमांड इंक्रीज होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अब पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, बट अब जब यहाँ पे फर्दर वेस्ट का एडिशन होगा, ठीक है, और क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो जो मछलियां वगैरह अंदर है वो मर जाएगी, जो प्लांट वाटर प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाएंगे, तो इसकी वजह से वेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, अब वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर है ही नहीं तो पॉल्यूशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर का पॉल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, यस? क्या संध्या रावत को समझ आया, क्या शिल्पी को समझ आया, क्या अभिषेक वीएन को समझ में आया, अमृता को समझ आया कि नहीं आया, अनुराग टी जॉन को समझ में आया, नहीं अनुराग नहीं सर, अनुग्रह टी जॉन को समझ आया कि नहीं आया, चाहत को समझ आया कि नहीं आया, यस? मनोरमा कुमारी को समझ आया कि नहीं आया, महिमा को आया कि नहीं आया, मानसी को आया कि नहीं आया, मानसी रात को आया कि नहीं आया, और कौन कौन है क्लास में, मोना को समझ आया कि नहीं आया, ऋषभ सागर ट्रेंड को समझ में आया कि नहीं आया, संजना तोमर, संध्या रावत, संतोष कुमार, नंदू, ए नंदू क्यों हॉस्पिटल के बाहर फूं फूं कर रहे हो? तो संतोष कुमार नंदू समझ आ गया, मूवी देखने जाओ ना, एक तो संतोष कुमार नंदू याद आता है और एक मुकेश, चलो तो क्लियर हुआ है सभी को, डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आधे लोगों को समझ नहीं आता है ना, कि सर कंसेप्ट क्या है पूरा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो अब देखो यहाँ पे चलते हैं, ये क्या है, ये क्या है सर, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो लेट्स से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है पानी में, उसका अगर मैं रेड पेन को देखना, रेड पेन को मत देखो, चलो ब्लैक पेन को देखो, है ना, ब्लैक पेन को देखिए आप, तो ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है सर, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है सर, पानी में बहुत अच्छा है, और अभी पानी में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो अगर पानी में किसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन नहीं है तो रेड पेन के ऊपर फोकस करना, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी ना, कम ही तो चाहिए, कम वेस्ट, कम पानी, कम ऑक्सीजन चाहिए, यस? नीचे की तरफ आएगा कर, क्लियर सभी को, यस? अब देखो क्या हुआ, आप में से कोई उठा एंड उसने जाकर के क्या किया के, यस, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर, है ना, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर, ठीक है, उसने पानी के अंदर वेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, वेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस वेस्ट, यहां पे जो है पानी के अंदर आपके पास कोई वेस्ट जो है वो आ गया। अब देखो जब वेस्ट आ गया तो अब इस वेस्ट को डिकम्पोज करना है, तो वेस्ट को अगर डिकम्पोज करना है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड राइज करेगी, यस? जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड राइज करेगी, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यूज होगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यस? यस और नो? चलो सर फिर क्या होगा, तो जो पहले जो था ना आपके पास, तो यहाँ पे ये चीज हुई। अब देखो मैंने फर्दर एडिशन अभी तक वेस्ट का नहीं किया, मैं फर्दर एडिशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक यही चीज है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई, तो अब धीरे धीरे पानी साफ होने लगेगा, है ना, डिकम्पोजिशन होने लगेगा, पानी साफ होने लगेगा, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होने लगेगा
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो वापस आपके पास कैसे होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि अब पॉल्यूशन कम है भाई। मैंने फर्दर एडिशन कराई नहीं ना, पॉल्यूशन कम है, कम है, कम है, कम है, हमने सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज कर ली। अब वापस आगे चलते हैं, जैसे जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज होने लगी, नई ऑक्सीजन भी आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लगी, तो अब डिजॉल्व ऑक्सीजन भी पानी में क्या होने लगेगी, प्रेशराइज होने लगेगी। नया वेस्ट एडिशन कर नहीं रहे ना हम, सेम एक ही बार के वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। नया ये भी इंक्रीज करने लगेगा, ये भी इंक्रीज करने लगेगा, और एक बार के लिए वापस ऊपर आ जाएगा। डन सभी को यहाँ पर क्लियर? तो जब एक बार पानी के अंदर वेस्ट का इंट्रोडक्शन होता है तो पानी आपके पास कई तरीके के स्टेजेस से निकलता है, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज एंड चौथी स्टेज। सबसे पहले जब डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के पास खूब सारी है एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल लो है, इसका क्या मतलब होगा बताओ मुझे, इसका क्या मतलब होगा? व्हेन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज हाई, ये पूरे ऐसे कैसे ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज हाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज वेरी लो, इसका क्या मतलब है सर? इट इंडिकेट दैट द वॉटर इज क्लीन, इसको क्या बोलते हैं? क्लीन जोन। समझ सकते हैं हम? यस समझ सकते हैं? यस, नॉन पॉल्यूटेड वाटर, बिल्कुल साफ पानी है ना, कम थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है। अब देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन जोन। डीकम्पोजिशन होगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन जोन। यस, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन जोन। क्लियर? इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन जोन। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टेज बनेगी ना, एक और स्टेज, पांच स्टेज बनेगी। यस, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब पानी ठीक होना स्टार्ट हुआ, जब पानी ठीक होना स्टार्ट हुआ, तो जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेप्टिक जोन। ठीक है अभी भी पॉल्यूटेड, बट अभी पॉल्यूशन का लेवल है, ज्यादा है एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, बट ये दोनों ही कैसे कर रही है वापस, अब एक दूसरे को अचीव कर रही है, सेप्टिक जोन। उसके बाद पानी ज्यादा ठीक है, ठीक है, रिकवरी, आधे से ज्यादा पानी रिकवर हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? रिकवरी जोन। एंड उसके बाद वापस क्या आ जाएगा? क्लियर सभी को यहां तक? यस समझ आ रहा है? अब कोई भी ऑप्शनल आपसे कुछ भी जो है वो क्वेश्चन पूछ ले, ऑप्शनल क्या रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, बताओ कौन सा जोन होगा, है ना? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, कौन सा जोन होगा? सर डीकम्पोजिशन जोन होगा। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, पहले बहुत ज्यादा थी, क्या हो गया? सेप्टिक जोन। क्लियर? एक थ्रेशोल्ड लेवल इस तरीके से, जैसे भी हो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बना करके क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। क्लियर सभी को? यार मैं आजकल डायग्राम अच्छे बनाने लग गया है ना, थू 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 नजर लग जाती है ना, सब लोग चुटकी डाल देना। यस सभी को? यस यहां तक क्लियर है? क्या समझ आया सभी को ये? चलो गुड वन सर। वाइजू गायकवाड़ को समझ आया क्या? वाइजू गायकवाड़ को? गुड वन। योगेंद्र को समझ आया ये? योगेंद्र आर यू देयर? गुड वन। चलिए
ये आपके पास होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, मान लो कहीं पे भी अगर आपके पास इस पानी के अंदर हॉट वाटर लग गया, ठीक है, इस डायग्राम यहाँ पे मत बनाना, यहाँ बनाना मत, इस डायग्राम को तो वैसे ही रहने देना, जस्ट एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। जब भी पानी में आप हॉट वाटर को इंट्रोड्यूस करते हो, वो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है, ठीक है। जब भी पानी में हॉट वाटर, गर्म पानी मिलता है, टेम्परेचर अगर राइज हुआ पानी का, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर पानी का टेम्परेचर राइज हुआ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्लियर यहां तक सभी को? यस क्लियर, लिख लो इस पॉइंट को, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, लिख लीजिए इस पॉइंट को ना, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। तो देखो फर्दर क्या चीजें होंगी आपके पास, अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुई तो देखो पानी के अंदर वेस्ट तो उतना ही है, वेस्ट हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, बताओ, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट अगर डिक्रीज हुआ तो पानी में आप लोग तो पॉल्यूशन तो लगा ही जा रहे हो, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए टेम्परेचर भी पानी के पॉल्यूशन को आपके पास यहाँ पे इंपैक्ट करता है, टेम्परेचर भी पानी के पॉल्यूशन को आपके इम्पैक्ट करता है। आई होप मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन कर, मतलब जस्टिस कर दिया है ना, समझ में आ गया सभी को, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि सर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। यस ये, और ये जितने पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सब प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अगर बीओडी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या अगर मैं ऐसे लिखूं कि हायर बीओडी, हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन में कमी, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू, ठीक है, यस। तो ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो आते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ही होता है, इसको याद रख लेना अगर मन करे तो, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं। सो 8.0 से अगर कम होता है तो हम बोलते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर है, एंड 4.0 से अगर भी अगर कम होता है तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। एंड एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यस देखो आपके पास आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कौन कौन डिटरमाइन करेगा, सरफेस टर्बुलेंस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, ऑक्सीजन कंजप्शन बाय ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सबके सभी आपके पास जो है इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर सभी को यहां तक? यस yes? तो ये चीज जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाती है। सो हायर द अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑफ एंड ऑक्सीजन कंजप्शन, एंड दैट इज वाई डिक्रीज इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, एंड इंक्रीज इन द वाटर टेम्परेचर डिक्रीज इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर। तो मैंने आपके लिए एक एक पॉइंट के नोट्स भी जो है वो बना दिए हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। The higher value of BOD indicates the low dissolved oxygen content of the water, जो मैंने अभी पॉइंट बताया था आपको,
Since BOD is limited by two biodegradable materials only, hence it is not a reliable method आपके पास नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए होता है. अब मान लो प्लास्टिक डाल दिया आपने, क्या करोगे? डिग्रेड ही नहीं हो रहा. ऑक्सीजन खूब डाल दो, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा. क्लियर? यस. तो फिर सर इसके लिए फिर हाई इफेक्टिव कैसे बनाएंगे सर? वो होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, लिख लेना, नेक्स्ट लिख लेना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोकेमिकल, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जितने भी पॉइंट थे वो सब कुछ सेम रहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के. बस ये ध्यान रखना कि बीओडी जो होता है वो इट इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल ओनली, बट जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल दोनों के लिए ही आपके पास होता है. यस, वो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल दोनों के लिए ही आपके पास होता है. क्लियर सभी को यहां तक? यस, क्लियर. चलो तो नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर ए बी सी डी. बताओ किसके लिए है? बताओ. ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, जो पढ़ के जाए ना वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं, जो ढंग से समझेगा ही नहीं, वो क्या करेगा? यस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? यस. चलिए तो आंसर करो ना भाई, आंसर करो तो फ्री. क्या आंसर है? ये सिंपल सी जो है वो आपके पास यहाँ पे आंसर जो हो जाता है. चलिए ठीक है, तो सी पॉल्यूशन के लिए जो आपके पास यहाँ पे हो जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी जिसको हम बोलते हैं. ये भी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पार्ट पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही आ जाते हैं, एंड ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वेस्ट वाटर. सेम, बाकी सारी चीजें इसके लिए भी सेम होती है. इंडस्ट्रियल वेस्ट आपके पास होता है, ये भी पानी को पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड पॉल्यूट करता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे. कौन कौन मिल सकता है? मर्करी मिल सकता है, कैडमियम मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, लेड मिल सकता है, एंड आर्सेनिक मिल सकता है. तो सर ना क्या दिक्कत? क्या सर, न्यूट्रिएंट ही तो है सर, खा लेंगे ना सर टॉक्स. यस बेटा, इन सबको ना कंजप्शन की कभी करना मत, इन सबसे बीमारियां हो जाती है ना, डिजीज हो जाती है इनसे बहुत सारी, है ना? हाँ सर. तो सर कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाऊंगा मैं. बेटा ठीक तो तुम हो जाओगे, मगर यूपीएससी वो डिजीज पूछ भी लेता है कि बता क्या ऐसा खाया था जो तेरे को ये डिजीज हो गई थी. सर मतलब अब हमको इनसे होने वाली डिजीज भी पढ़ लेनी चाहिए. रेडी सब लोग? यस रेडी. चलो सर तो व्हाइट पेज के ऊपर चलते हैं जहां पे पढ़ सके. इसको मिटा दूं? वैसे डायग्राम बहुत अच्छा है पर मिटाने का मन नहीं कर रहा था. कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा. चलो देखो, अगर तुमने पानी पिया जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रेट है, हाँ सर, तो तुमने वो मूवी देख ली थी क्या सर? कौन सी? अवतार. अवतार 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 मूवी देखी? अवतार, अवतार में वो नीला नीला आदमी होता है ना, नीला नीला आदमी है ना, हरा, वो नीला नीला आदमी होता है सर. जैसा तो वैसे बन जाओगे तुम. सर वैसा क्यों बन जाऊंगा मैं? क्योंकि तुम्हें हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम. क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हो जाता है. तो अगर नाइट्रेट वाला पानी पी लिया तो आपको हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम. क्लियर? सर छोड़ो सर, मैं नहीं पी रहा. कोई बात नहीं, आर्सेनिक भी चेक कर लेना, कहीं पानी में आर्सेनिक तो नहीं है. अगर आपने आर्सेनिक वाला पानी पिया तो फिर आपके जो पैर हैं वो काले पड़ जाएंगे, तो आपको हो जाएगी ब्लैक फुट डिजीज. कौन सी? ब्लैक फुट डिजीज. याद हो जाएगा, नाइट्रेट अगर लिया तो अवतार मूवी याद कर लेनी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम. आर्सेनिक अगर लिया तो फिर ब्लैक फुट डिजीज जो है वो हो जाता है. आप लोग याद कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? क्लास के साथ ही याद करना है ना. हाँ, नोट्स थोड़ी ना बना रहे हो, नोट सीधा बनाना है. गुड वन रिया, लिख लिया आपने? नोट डाउन कर लिया?
रिया, रिया लिख लिया कि नहीं लिखा आपने? नोट डाउन किया नहीं किया? तो एक बार माइक का एक्सेस देना पड़ेगा रिया को। यस हाँ जी रिया, माइक का एक्सेस ले सकते हैं आप। रिया लिख लिया आपने सर? माइक का एक्सेस रिया, माइक का एक्सेस ले सकते हो आप। यस लिख लिया रिया सब कुछ? नो सर, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम सर। सर क्या राइटिंग? एम राइटिंग द नेम्स ऑफ द डिजीजेस। अच्छा यू आर राइटिंग द नेम्स ऑफ द डिजीजेस। क्यों याद करो क्लास में, वरना लिखते ही रह जाओगे। लिखा हुआ बहुत सारी जगहों पे है। मेरे साथ चीजों को याद करने की कोशिश करो। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें समझ, देखो लाइव क्लास आर फॉर अंडरस्टैंडिंग। नोट्स ये सब कुछ बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। अगर नोट्स बनाना है तो खुद से ओके बना लो, सर, अदरवाइज ये सब कुछ तो मिल जाएगा। वैसे ही रिकॉर्डेड देख करके फिर नोट्स बनाओ, ताकि ओके सर, सेकंड वॉच भी फटाफट हो जाएगा, है ना। लाइव क्लास में कुछ भी लिखना नहीं है। यस लाइव क्लास सिर्फ याद करने के लिए। तो मेरे साथ बैठ करके इसको याद करो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, वैसे करो, ठीक है। फेयर नोट्स वैसे भी लाइव क्लास में अच्छे से बनेंगे नहीं, ठीक ओके सॉरी है। यस सर। हाँ जी यस। सो ब्लैक बेबी सिंड्रोम आपको हो जाता है जब नाइट्रेट वाला पानी पिया तो, और आर्सेनिक वाला पिया तो ब्लैक फूड डिजीज हो जाता है। तो याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों? अगर नाइट्रेट नाइट्रेट अगर ले लिया तो, और आर्सेनिक लिया तो ब्लैक फूड डिजीज जो है आपके पास हो जाता है। फ्लोराइड वाला तो पी मत लेना, फ्लोराइड वाला तो पी मत लेना। यस नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। नॉक नी सिंड्रोम क्या हो जाता है? नॉक नी सिंड्रोम। यस कईयों के घुटने दर्द करते करते रहते हैं। पेनफुल जॉइंट्स, पेनफुल जॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। जो बोन्स होती है बहुत हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी। हार्डनिंग ऑफ बोन्स होती है, ध्यान रखना, हार्डनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड हो जाती है। तो हार्डनिंग ऑफ बोन्स आपके पास यहाँ पे हो जाती है। ये जो आर्सेनिक है ना, ये गंगा वाले एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है। तो गंगनेटिक जो प्लेन है ना आपके पास, वहां पे आपके पास ये ब्लैक फूड डिजीज रहती है, होती रहती है। वहां पे बच्चों के देखोगे ना, लोगों के पैर काले काले मिलता है। क्लियर? तो नाइट्रेट आर्सेनिक फ्लोराइड क्लियर हो गया सभी को? यस याद हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं यहाँ पे लिखूं नाइट्रेट ए है, बी आपके पास है आर्सेनिक, सी आपके पास है फ्लोराइड। चलो सर, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होगा? यस ए से जो है आपके पास हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। किससे जो है घुटने दर्द करेंगे आपके? नॉक नी डिजीज हो जाएगा। यस पेनफुल जॉइंट्स, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, फ्लोराइड से हो जाएगा। गुड वन। एंड काले काले पैर, यस आर्सेनिक से हो जाएगा। फिर से ब्लैक बेबी सिंड्रोम किससे हो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, यस ए से हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, यस बी से हो जाएगी ब्लैक फुट डिजीज। फिर से ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम ए से आपके पास हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए गुड वन। तो हमने नाइट्रेट देखा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा। आर्सेनिक अगर लिया तो ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। फ्लोराइड अगर लिया तो नॉक नी, पेनफुल जॉइंट एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स। ध्यान रखना है हार्डनिंग ऑफ बोन्स, सॉफ्ट नहीं होती है। फिर मरकरी, ये तो सबको याद है, क्या हो जाएगा? मिनी माता। यस मरकरी अगर पी लिया तो मिनी माता हो जाएगा। लीड, लीड से क्या हो जाएगा? यस आपने कई सारे लोगों के गम्स देखे होंगे सर, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गम देखे हमने। अरे उन गमों की बात नहीं करता हूं मैं, उनके ऊपर एक ब्लूइश लाइन आ जाती है, उनके ऊपर एक ब्लूइश लाइन आ जाती है।
तो ब्लूइश लाइन अक्रॉस द गम्स, ये लीड की वजह से आता है, ये लीड की वजह से मिलता है। कैडमियम का अगर पानी पी लिया आपने तो तुम लड़की बन जाओगे। सर तो ये क्या बात कर रहे हो सर, ये कौन सी बीमारी होती है बेटा, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। अच्छा कैडमियम वाला पानी पी रहा तो तुम लड़की बन जाओगे। सर तो लड़की क्यों बन जाऊंगा मैं, लड़कियां करती रहती है ना सारा दिन आउच, यस कुछ भी होता तो करते रहते ना आउच, यस तो सारा दिन ना आप ऐसे लड़कियों की तरह आउच आउच ही करते फिरोगे सर। तो मतलब इसको बोलते हैं आउच आउच डिजीज, आउच आउच डिजीज हो जाती है आपके पास। इसको इटाई इटाई भी बोलते हैं, इटाई इटाई डिजीज है ना। सो अगर कैडमियम अगर पी लिया तो लड़की बन जाओगे। कई सारे सिंगल लड़के होते हैं ना सिंगल, वो मरते हैं कि भगवान करे लड़की बन जाए, अच्छा कम से कम भाव तो देंगे लोग। इट बेटर देन मेनी गर्ल्स, थैंक यू सो मच। बस यही कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए था। ठीक है तो कैडमियम अगर पिया तो लड़की बन जाओगे, आउच आउच करते फिरोगे, इटाई इटाई करते फिरोगे, है ना। तो वो ओ वाली बीमारी नहीं आई अभी तक। वो वैसे ही है ना, लड़कियां आउच नहीं करती सर, लड़कियां सर ओ वाला नहीं आया अभी तक। तो ये ना व्हाट्सएप के अंदर ना ये बीमारी, व्हाट्सएप ने ना ये बीमारी दे दी, गर्ल्स डू सो मेनी ऑल्स, बॉयज डू हम। बॉयज हम करते हैं हम। करे गुड वन, ठीक है यस। तो हमने कर लिया यहाँ तक, तो कहाँ तक आ गए हम, डिजॉल्व ऑक्सीजन समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, इंडस्ट्री भी हो गया। इंडस्ट्री के बाद मैंने आपको इनसे होने वाली सब बीमारियां भी बता दी। बीमारियों के बाद आ जाता है नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सोर्स। अब देखो एग्रीकल्चरल सोर्स से भी आपके पास बहुत सारा पानी आपके पास आता है। तो एग्रीकल्चरल सोर्स वाले कैसे होंगे, नॉन पॉइंट सोर्स वाले आपके पास यहाँ पे होते हैं। तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ में क्या क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, अमोनिया होते हैं। सर तो ये सब कहाँ से आया, अरे बेटा फर्टिलाइजर वगैरह सब तुम डालते रहोगे ना। यस सर, बरसात आई आपने डाला था कि हमारे खेत में रहेगा पर पानी के साथ बह करके नदी में चला गया, तो उसके लिए वहां पे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स, पानी के साथ बह करके नदी में चले गए, न्यूट्रिएंट एक्सेसिव आ गए, क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, समझ रहे हो, यूट्रोफिकेशन। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती है। सो एक्सेस फर्टिलाइजर्स में रीच द ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग, ये भी चीज हो सकती है कि ग्राउंड वाटर में चले गई है, लीचिंग प्रोसेस समझते हो ना, नीचे की तरफ चले जाना, रस रिस 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 के जाना, पानी नीचे चला जाता है तो ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया, तो इससे जो टेबल वाटर टेबल होती है वो भी आपके पास यहाँ पे खराब हो सकती है। पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, पीएचसी जिनको बोलते हैं, डीडीटी बोलते हैं, एंडोसल्फेन, ये नाम याद कर लो, एंडोसल्फेन वाटर पॉल्यूटेंट होता ही है, एंडोसल्फेन इट इज अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, क्लियर। एंड ये क्या करता है, ये वाटर पॉल्यूट करता है, इट्स अ वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है, पानी को पॉल्यूट कर देता ही है, मतलब वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है ये, है तो पेस्टिसाइड है पर पानी को तो पॉल्यूट कर देगा ना, ऐसे याद रखना है। पता चला CO2 सर एक गैस होती है, नहीं सर ये तो पॉल्यूटेंट होती है, ऐसे नहीं बोल देना है, असली काम भी तो याद रखना है इसका, क्लियर। तो एंडोसल्फेन प्लीज याद रख लेना, ये नाम ना यूपीएससी में आ जाते हैं, एंडोसल्फेन क्या है, किस काम आता है, तो ये नाम याद रखना है। फिर आप लोग बोलते हो सर यूपीएससी कुछ भी पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है, काम की चीजें पूछता है, डन। एंडोसल्फेन का नाम याद रख लेना है। फिर थर्मल एंड रेडिएशन पॉल्यूशन, थर्मल आपने कोई मतलब एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें बहुत ज्यादा हाई आपके पास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जब हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो वहां पे पानी होता है, अब वो पानी आपने ऐसे ही छोड़ दिया नदी में, अब वो गर्म गर्म पानी जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर देगा, कम कर देगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर दिया तो जो पॉल्यूशन पानी में जो बायो डिकम्पोजिशन होना था वो नहीं होगा,
वो नहीं होगा तो पानी पॉल्यूटेंट का पॉल्यूटेड रह जाता है। तो ये आपके पास होता है थर्मल पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है कि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखे होंगे, यस, वहां पे रेडिएशन वगैरह निकलती रहती है आपके पास, उन रेडिएशन की वजह से आपके पास यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। बट ना इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और भी है। क्या होता है, आपने वो सुना होगा ना, आपके पास के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का पानी ओशन में छोड़ दिया जाता है, यस, ये बहुत खराब है, ये डिजोल्व ऑक्सीजन को कम कर देगा आपके पास, ठीक है। और बाकी कई बार क्या होता है, यहाँ से बहुत बड़े हादसे भी होते रहते हैं, तो ये चीजें होती है। बट आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सर इनको ना हैंडल कैसे करें, ये हॉट वाटर को हैंडल कैसे करें। तो भैया पानी को नदी में मिलने से पहले एक कूलिंग पॉन्ड बना दो ना, कूलिंग पॉन्ड, जहां पे पानी रहेगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद में आप उसको जोड़ो। अलाउ द वाटर टू कूल बिफोर रिलीजिंग इन टू द एंड द रिसीविंग बॉडी, के नदी में पहले से पहले आप उसको ठंडा कर लो। रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है, ये जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स होती है उनके डीएनए को ही चेंज कर देता है। यस, आजकल आप सुन रहे हो ना कि मेल के अंदर एक्स वाई हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल्स के अंदर वाई हार्मोन्स जो है वो कम होने लग गए हैं। ये क्या है, डीएनए चेंजेस है, क्यों हो रहा है रेडिएशन। आजकल सब दिन फोन रखना है, दो दो फोन रखना है, आप अपनी बॉडी में रेडिएशन से रेडिएशन ला रहे हो, डन। तो रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है आपके पास, डीएनए तक चेंज हो जाते हैं आपके पास यहाँ पे, क्लियर। रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये आयोडीन जो आपके पास है, टेंड्स टू अब्सॉर्ब बाय द थायराइड ग्लैंड एंड कैन कॉज थायराइड कैंसर ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना है, ये भी चीजें आपके पास हो जाती है। अब देखो रेडिएशन एक्सपोजर से पहले के साथ आपको ये भी ध्यान रखना, तो इस तरीके की न्यूज ना आपको मिलती रहेगी। 13 years आफ्टर मेल्ट डाउन फुकुशिमा रिएक्टर रूम रिमेन्स अ मिस्ट्री। सर फुकुशिमा ये नाम कुछ सुना सुना तो लग रहा है सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस, फुकुशिमा सुना सुना नहीं लग रहा है, यस, जापान, यस, गुड वन। तो ऐसे न्यूज में ना आपको आर्टिकल्स जो वो मिलते रहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर हो गया था हादसा, यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पर आपके पास हो गया था हादसा, यहाँ पे क्या था कि व्हाट हैपेंड इन ये फुकुशिमा, क्या तो ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर आपके पास यहाँ पे हो गई थी फुकुशिमा में। कैसे हुआ था, तो यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम था ये फेल हो गया 3 रिएक्टर्स के अंदर। तो यहाँ के 3 रिएक्टर में जो कूलिंग सिस्टम था वो पूरा का पूरा फेल हो गया। जैसे ये फेल हुआ तो ओवरहीटिंग हो गई, जब ओवरहीटिंग हुई तो दिस लेड टू पार्शियल मेल्ट डाउन ऑफ द फ्यूल रॉड्स, जो फ्यूल रॉड्स थी वो सारी क्या हो गई, पिघल गई। अ फायर इन द स्टोरेज रिएक्टर, स्टोरेज रिएक्टर में एक फायर हो गई, आग लग गई, एक्सप्लोजन हुआ आउटर कंटेनमेंट बिल्डिंग्स में, और इन सब से आपके पास क्या हुआ, तो पानी में बहुत सारा रेडिएशन इनटू एयर एंड ओशन, बहुत सारा रेडिएशन फैल गया, बहुत सारा एयर जो फैल गया। अभी आपने ईरान का मुद्दा सुना है, इसराइल कह रहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर वाले जगह के ऊपर बम फेंक देंगे। अरे भाई अगर तुमने फेंक दिया तो कितना, सब लोग पूरी दुनिया इसके लिए कंसर्न है, मत फेंकना मत फेंकना मत फेंकना, जबकि सब चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए, फिर भी इसको रोक रहा है कि नहीं यहाँ बम मत फेंकना। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको उड़ा दिया ना तो रेडिएशन फैल जाएगी, हमको इसको रोकना है, मगर हमको इसको बोलेंगे कि भाई तू इस प्लांट को बंद कर दे, उड़ाना थोड़ी ना, ये क्योंकि रेडिएशन नहीं फैलनी चाहिए, रेडिएशन नहीं फैलनी चाहिए। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो होती है, तो ध्यान रखना है फुकुशिमा ये क्या था, ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, न्यूक्लियर डिजास्टर है आपके पास, तो ये आती रहती है न्यूज में, कई बार आती रहती है, इतने साल हो गए इतने साल हो गए। मराइन पॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे होता है, मराइन पॉल्यूशन में क्या होता है कि भाई आप लोग नदी में गए, सही चपाचही करते करते गए ओशन के अंदर, ओ माजीरे करते करते नाव भी लेके गए, और वहां पे है ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक नदी में फेंक दी, वहीं ओशन में फेंक के वापस आ गए, यस। तो ये चीज होती है, आप अपना सीवरेज है, गार्बेज है, ये सब कुछ आपका कोस्टल कोस्टल सिटीज का, ये सब कुछ आपके पास वहीं जाता रहता है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे होता है। ऑयल स्पिल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यस, कोई शिप है ऑयल को लेके जा रही है, शिप टाइटैनिक बन गई। अब जैसे ही शिप टाइटैनिक बनी तो उसका जो ऑयल था वो सारा, ऑयल क्या होता है, हल्का होता है,
अब हल्का होगा तो वो क्या हो जाएगा, हल्का होगा तो वो सतह पे आ जाएगा और सतह पे आकर के फ्लोट करने लग जाता है। अब देखो सारी जो प्रॉब्लम है ना वो ऑक्सीजन के साथ है। पानी होगा, पानी के ऊपर अगर ऑयल है तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल इसके सतह पे आके रुक जाएगा। अब सतह के ऊपर अगर ऑक्सीजन पानी आकर के रुक गया तो आपके पास अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट, ऑक्सीजन सप्लाई कट, तो जो O2 थी वो जितना भी डिकम्पोजिशन था वो सब में यूज हो जाएगा। अब O2 अवेलेबल नहीं है, O2 अवेलेबल नहीं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा हाई, O2 है नहीं पॉल्यूशन राइज। क्लियर, सारा का सब कुछ रिलेटेड है आपके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड BODs है, इन दो चीजों को समझ लो बस। और लोगों को यही समझ में नहीं आता, लोगों को यही समझ में नहीं आता। क्लियर, सो ऑयल है लाइटर देन वाटर, कवर्स द वाटर सरफेस, कट ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्लांट एंड अदर डाई ड्यू टू सफोकेशन। अब ये डाई कर गए तो जैसे ये डाई हुए ये वेस्ट बन गए, अब ये वेस्ट तो बन गए मगर डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, क्या कर लो कुछ नहीं, पॉल्यूशन विल राइज। क्लियर, इतना क्लैरिटी से हर यूपीएससी एस्पायरेंट को जो आना चाहिए। इनवेजिव स्पीसीज ये ऐसी देखी आपने, पूरा का पूरा पानी घेर लेती है, इतना भयंकर इन्वेड करती है ये, एक दो लगी नहीं कि एक दूसरे दिन उठ के देखोगे पूरा का पूरा घेर लेती है। इसको बोलते हैं वाटर हाइकिंट, ये एक एक्वेटिक वीड होता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल, वाट इट्स द वाटर हाइकिंट, एक एक्वेटिक वीड होती है ये और इसको बोलते हैं वाटर टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर, यूट्रोफिक वाटर बॉडीज जो होती है उनमें भयंकर तरीके से पाई जाती है। बेसिकली ये दिख रही है ना, इसका मतलब ये क्या है कि वाटर पॉल्यूट हो चुका है। तो क्या हम एक तरीके से इसको इंडिकेटर स्पीसीज बोल सकते हैं? सर ये इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है सर? बेटा इकोलॉजी के कोर्स देखना वापस एक बार जाकर के, वहां पे हमने सब पढ़ रखा है, इंडिकेटर किसको बोलते हैं, अम्ब्रेला किसको बोलते हैं। यस चलिए सर, तो वाटर हाइकिंट आपके पास होता है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड है, यूरेनियम वगैरह ये सब कुछ बहुत, ये नाइट्रेट वगैरह ये टेबल में आपको पहले ही याद करवा चुका हूँ कि किससे क्या क्या होगा। नाइट्रेट लिया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, आर्सेनिक लिया तो ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा, फ्लोराइड लिया तो नॉकनी सिंड्रोम हो जाएगा, है ना, टीथ डिफॉर्मिटी आपके पास हो जाती है, गैस प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाएगी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स आपके पास हो जाता है, पेनफुल जॉइंट्स आपके यहाँ पे मिलने लग जाते हैं। मर्करी लिया तो मिनीमाता, लीड लिया तो ब्लूइश लाइन अक्रॉस द गम्स एंड कैडमियम लिया तो लड़की बन जाऊंगा लड़की। हाँ सर अच्छी बात है सर, भाव मिलेंगे सर मुझे सर, है ना, सब लोग ना सर मेरे मेरे ही आगे पीछे फिरेंगे सर, ना सर इतने अफेयर करूंगा, इतने अफेयर करूंगा ना सर, बेटा तुम्हारे ना अरमान बहुत बड़े हैं। मेरे ना सच में लड़कों को ना ये बोलते हुए सुना है, काश मैं लड़की होता, मैं इतने सारे अफेयर करता। मेरे भाई तू बस जिंदगी में यही करना रह गया तुम्हारे, चलो क्लियर यहाँ तक। यस चलो सर करेंगे क्वेश्चन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्लीज आंसर। रिया साहू ए, यूपी ए, शिवानी आनंद सी, करिए सारी, आयुषी प्रिया ए, ठीक बाकी लोग आंसर करो भाई जल्दी से, आंसर सोच के करते हैं, ऐसे तो चैट जीपीटी से पूछ लेते हो, सर ने तो क्वेश्चन किया इसको चैट जीपीटी से पूछ लेता है। मीनाक्षी डागर डी। नहीं सॉरी ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सी। अच्छा मोना दीक्षित ए,
और क्वेश्चन और करो। पल्लवी सोनी भी है, प्रिंस अग्रवाल भी है, मानसी राज भी है, कहाँ है तरंग गुडवानी, कहाँ है योगेंद्र, बाकी सब लोग कहाँ है, मानसी कहाँ है, मीनू ए, योगेंद्र ए, मनोरमा कुमारी भी ए। चलो तो जितने भी लोगों ने ए दिया है, ऑप्शन मुबारक हो सर, मुबारक। यस सर, हम जीत गए, नहीं तुम फेल हो गए हो सर। फेल हो गए तो मुबारक क्यों दी, तुम एक साल और करोगे ना मेरे साथ। ओहो हाँ सर, हाँ मजा आएगा सर। द आंसर इज, द आंसर इज, क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, चलो देखते हैं। अब देखो ये जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, करना कैसे है इसको, पहले आपको करना कैसे ही आना चाहिए, एक क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाँ सर, ये अच्छा बात बताइए आपने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पॉल्यूटेंट आपके पास कौन कौन सा हो सकता है। आर्सेनिक, यस सर हमने अभी अभी पढ़ रखा है, वन इज एन ऑप्शन, वन सही है। सर्बिटॉल, अभी सर्बिटॉल क्या होता है नहीं पता, ठीक है। फ्लोराइड, यस सर फ्लोराइड हो सकता है, यानी वन और थ्री है, वन और थ्री ए में है यानी ए कैन बी एन ऑप्शन, वन और थ्री सी में है यानी सी कैन बी एन ऑप्शन, वन और थ्री डी में यानी डी कैन बी एन ऑप्शन। क्या हमको अभी भी आंसर करना है क्या? नहीं, जब तक हम एटलीस्ट दो तक ना आ जाए तब तक हमको आंसर नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड वाटर पॉल्यूट करता है? फॉर्मेल्डिहाइड हमने पढ़ तो रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है सर? फॉर्मेल्डिहाइड एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाता है। यस yes? अगर इजीली इवेपोरेट हो गया तो खत्म हो गया ना ये, तो गया, यानी फोर नहीं हो सकता, फोर डी में गया, फोर यहां से भी गया, यानी अब हम ए एंड सी के बीच में कंफ्यूज है। अब हम इसके साथ खेल सकते हैं, अब हम इस क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। यस yes, अब हम इस क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। अगर किसी को सर्बिटॉल का मतलब नहीं भी पता है तो भी अब आप इस क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो। अब आप खेलोगे कैसे है? वन मुझे पता है, आर्सेनिक इज ए पॉल्यूटेंट, ठीक है, फ्लोराइड इज ए पॉल्यूटेंट, ये भी पता है, यूरेनियम की लेकर के बात करनी है। सर यूरेनियम, सर इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओहो रेडिएशन, यस ये करेगा, हम बिल्कुल श्योरली पहुंच गए ए के। सर सी इज द करेक्ट आंसर, यस। और मैं आपको कितने सारे स्टूडेंट्स बता दूं जो इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन मानेंगे, क्यों? क्योंकि उनको सर्बिटॉल दिखेगा, सर हाउ कैन आई डिसाइड, मेरे को तो पता ही नहीं सर सर्बिटॉल क्या होता है। आप देखो सर्बिटॉल नहीं पता है ना आपको तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो ये जो कर्व बढ़ता है ना, ये आपका मार्क्स का कर्व, ये जब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और जब ये आएगा ना कॉन्फिडेंस, जब ये टेक्निक आएगी कि हाँ ए सी और डी में से कोई एक हो सकता है, हाँ ए और सी में से कोई हो सकता है, अरे 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 सी ही हो सकता है, सर्बिटॉल से भाता खपाना ही नहीं हमको, नहीं पता सर्बिटॉल, कोई बात नहीं, जितना आपको आता है ना उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्लियर, दिस इज द मतलब एक्यूरेसी, दिस एक्यूरेसी वी वॉन्ट। क्लियर, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और आप देखो पहुंचे ना डायरेक्टली एकदम पिन पॉइंट, आप एक ऑप्शन के ऊपर आ गए कि हाँ ये आंसर है। यस अमेजिंग, अमेजिंग कि नहीं? बट आप देखो बहुत सारे लोगों ने गलती करी है इस क्वेश्चन को करने में, बहुत सारे लोगों ने गलती करी है। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाता, बेस्ड ऑन जितना आपको आता है ना उसी चीज को सही से अप्लाई करना था बस, बट आपने अप्लाई नहीं किया और आप सब के सब नेगेटिव मार्किंग खा जाते हैं, इतने सारे लोग आप नेगेटिव मार्किंग खा जाते हैं, ऐसे फंसाता है यूपीएससी। क्लियर यहां तक? यस गलती समझ आ रही है, गलती क्या करी है? सब लोगों ने ए क्या सोच के दे दिया, आप लोगों ने यूरेनियम नहीं पढ़ा क्या? क्या आपको नहीं पता यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है?
पता था सर, तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया भाई? सही, आपने तो सी लिखा शायद, नहीं आपने भी ए लिखा था योगेंद्र। फिर क्यों गलती हुई है, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके पास होती है। सो सी इज द ऑप्शन, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। सर्बिटॉल क्या होता है? ये एक शुगर अल्कोहल होता है, ये स्वीट टेस्ट देने के काम आता है, स्वीटनर की तरह। ठीक है, दिस इज सर्बिटॉल। नेक्स्ट इज ट्यूबिफिक्स। ट्यूबिफिक्स सर ये भी एक पॉल्यूटेंट होता है क्या? ये पॉल्यूटेंट नहीं होता है, ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इसको जानते हो, इसको देखा है क्या? बरसात के दिनों में आते रहते हैं ना आपके घर के बाहर, ऐसे खूब सारे पड़े रहते मिलेंगे आपको। तो ये क्या बताता है? ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, इससे पता चलता है कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेंट है। इट्स एन इंडिकेटिव स्पीसीज। क्या बोलते हैं? ट्यूबिफिक्स। एनिलीड वॉर्म बोलते हैं। इट मे सर्वाइव इन हाईली पॉल्यूटेड वाटर विद लो डिजॉल्व ऑक्सीजन। यस, मेरे को एक बार बताओ, अगर आपको कोई भी स्पीसीज के बारे में बोल दिया कि ये एक स्पीसीज है जो कि पॉल्यूटेड वाटर के अंदर सर्वाइव करती है ना, लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को याद करने में रह जाएंगे। याद नहीं करना, समझो। अगर एक स्पीसीज है जो कि पॉल्यूटेड वाटर के अंदर सर्वाइव कर लेती है, अब पॉल्यूटेड वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सर? पॉल्यूटेड वाटर का मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। यस यस, स्लो डिजॉल्व। याद करने की जरूरत ही नहीं है हमको, याद करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? समझ करके करेंगे हम, समझ करके करेंगे। तो उसको बोलते हैं ट्यूबिफिक्स। याद रह जाएगा ट्यूबिफिक्स का नाम। यस, ये चीज आपके पास होती है। तो सर पॉल्यूशन तो पढ़ लिया, अब हाउ टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन? हैवी तो नहीं हो रहा लेक्चर? हैवी तो नहीं हो रहा? चलो बोलो। सो बात आती है हाउ टू कंट्रोल, व्हाट कंट्रोल दिस वाटर पॉल्यूशन। अब देखो कंट्रोल कैसे करोगे? तो कंट्रोल करने के लिए हमको सोर्स का पता होना चाहिए। सोर्स जैसे ही पता चलेगा हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर पॉइंट सोर्स है बहुत अच्छी बात है सर, इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर नॉन पॉइंट सोर्स है तो उसको कंट्रोल करना इज डिफिकल्ट। यस, इसको कंट्रोल करना ही डिफिकल्ट। बट देर आर रेमेडी, तरीके हो है, देर आर वे जिसकी हेल्प से हम इसको यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, समझना। क्या होता है कि ये क्या है सर? ये नदी है, नदी नदी। अच्छा सर, तो नदी जा रही है, यहाँ पर जो है वो खेत है, फार्म लैंड है। इधर भी एक खेत है या इंडस्ट्री है या आपका घर है, कुछ भी है। ठीक है, यहाँ सबसे पानी आता है। तो एक तरीका अपनाया जाता है कि यार एक काम करो, ग्रीन काम जाओ। आप एक काम करो, क्यों ना आप नदी के किनारे यहां पर आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लो। यस, नदी किनारे आप बहुत सारा पेड़ लगा लो। अब इस पेड़ों से क्या होगा सर? पेड़ से क्या होगा? जब पेड़ होते हैं तो फिर सॉइल इरोजन नहीं होता है। अगर सॉइल इरोजन नहीं हुआ होगा तो नदी के साथ, नदी में आकर के जो न्यूट्रिएंट्स या जो सरफेस रन ऑफ वाला पानी था वो नहीं मिलेगा। यस, तो ये यूट्रोफिकेशन को भी रोक देगा, यूट्रोफिकेशन को रोक देगा। तो एक ये तरीका होता है। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं राइपेरियन बफर्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राइपेरियन बफर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राइपेरियन बफर्स। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका हो सकता है। ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका हो सकता है, और देखो क्या किया जा सकता है।
ये जो वाटर हाइकिंग हमने देखा था ना, वाटर हाइकिंग, ये रहा, ये जो वाटर हाइकिंग हमने देखा था, इस वाटर हाइकिंग की भी एक खास बात होती है। इस वाटर हाइकिंग की भी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है सर? ये पानी में होने वाले मेटल पॉल्यूशन को, कौन से पॉल्यूशन? मेटल पॉल्यूशन को, पानी में होने वाले मेटल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो पानी में अगर मेटल के पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे? उसके अंदर वाटर हाइकिंग को इंट्रोड्यूस कराओगे, वो मेटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। फिर जैसे ही उसने मेटल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया, अब आप इसको रिड्यूस कर दोगे, ठीक है? यस सर, ये कहानी हम समझे नहीं? कोई नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ। ये तुम्हारा, ये कौन है सर? ये है सर, ठीक है सर। ये कौन है? ये तुम हो। ओके सर। ये कौन है सर? यस सर। फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं बेटा, इन्होंने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया। ओहो सर, सर मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है सर, मैं जान ही ले लूंगा सर, मैं जान ही ले लूंगा सर। ठीक है, ले लो जाते थे। अच्छा सर, तो मैं अगर, मैंने अगर जान ले ली तो सर क्या कहते हैं, मुझे जेल हो जाएगी सर। हाँ सर, एक काम करता हूँ सर, एक दूसरा बंदा हायर करते हैं, ठीक है? एक दूसरा बंदा हायर करते हैं, इसको बोला कि तुम जाओ और इसको मार दो, ठीक है? तो ये गया और इसने इनको मार दिया। सर मैं बहुत खुश हो गया। हाँ सर, पर सर अगर इसने सबको बता दिया तो कि मैंने इसको मारने के लिए कहा था, हाँ तो तुमको जेल हो जाएगी। हाँ सर, सर एक काम करते हैं, इसको भी मार देते हैं। ओ हो सर, दो लोगों को मारना पड़ा एक साथ, पर पूरा टंटा खत्म हो गया सर, सारी जगह सब फसाद खत्म हो गई सर। समझ आ रही चीज है? यस, पानी के अंदर मेटल पॉल्यूशन था, इसको हटाना है, तो हाइकिंट को ऐड करा दिया, उसने मेटल पॉल्यूशन कम कर दिया। बट हाइकिंट है, इसका मतलब क्या है? पॉल्यूशन है, यूट्रोफिक लेक है, अब हाइकिंट को हटा दो। पानी साहब, यस, तो वो जो कहते हैं ना, जरूरत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये वो वाली बात है। जरूरत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये वो वाली बात है। कि अगर मेटल पॉल्यूशन को हटाना है तो वाटर हाइकिंग, जो कि एक अनडिजायरेबल चीज है, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो मेटल पॉल्यूशन को हटाएगा, फिर हम उसको हटा देंगे। यस सर, ये अच्छी बात नहीं है सर, कर्मा बैक है ना, गलत कर रहे सर, है ना, स्वार्थी। कोई बात नहीं बेटा, करना पड़ता है। यस कि सर आपने स्वार्थ के लिए बताओ बेचारे वाटर हाइकिंग को लगाओगे आप, करना पड़ता है। धन्य, यहां तक सभी को समझ आ रही है चीजें? यस, तो आपने देखा राइपेरियन बफर्स क्या होते हैं, आपने देखा वाटर हाइकिंग क्या होते हैं। इसी तरीके से एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, इसी तरीके से एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं ऑयल जैपर्स। ऑयल जैपर्स, यस ऑयल जैपर्स, ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है? ये जो ऑयल स्पिल होता है ना, इसको ठीक कर देता है ये। यस, तो जो ऑयल स्पिल होता है उसको ठीक कर देता है ये। डन, इसी तरीके से एक पेड़ होता है, इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग यूकिलिप्टस ट्री। यस नाम याद हो जाएगा ये। यस, मेरे लिए तो टंग ट्विस्टर की तरह काम करता है ये, है ना, यूकेलिप्टस ट्री। नाम याद हो जाएगा, ऑयल जैपर क्या है, यस वाटर हाइकिंथ क्या है, राइपेरियन बफर क्या होता है, यस ट्यूबिफिक्स क्या है, यूकेलिप्टस ट्री क्या है। यूकेलिप्टस ट्री क्या करता है? ये वेस्ट वाटर की, इनकी जो जड़ें वगैरह जो होती है, वो वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? तो वेस्ट वाटर को एब्जॉर्व करोगे तो क्या हो गया? दूसरा पानी क्लीन हो गया आसपास का। यस, इनको बोलते हैं यूकेलिप्टस ट्री, यूकेलिप्टस ट्री। डन, यहां तक क्लियर सभी को? चलो सर, अब देखो यूकेलिप्टस ट्री पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन करता है, यानी पॉल्यूटेड वाटर में सरवाइव कर सकता है वो।
तो अगर कोई बोले कि यूकेलिप्टस ट्री लो डिजोल्व ऑक्सीजन वाले वाटर में भी सरवाइव कर सकता है, हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, है ना? ऐसे समझ के आंसर करना है, समझ करके आंसर करना है। चलिए सर, तो ये आपके पास हो गया वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आती है रेमिडीज, इसमें बहुत सारी रिमेडियल टेक्निक्स होती हैं, फिर क्या क्या लॉज वगैरह आपके पास हैं, उन सबको हम देख लो देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है यहाँ तक? यस चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ मैं।